आखिर वो पल आ ही गया जब ये दुनिया खत्म होने वाली है। वाकई क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है? आज 29 अप्रैल 2020 है और आज ही के दिन एक विशालकाय एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। आज से 65 मिलियन साल पहले भी एक ऐसा ही एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था जिसने उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवन का विनाश कर दिया था। आज फिर उसी की तरह का एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ चला आ रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। लोग डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं कि न जाने अगले ही पल क्या होने वाला है। क्या एक बार फिर से इस पृथ्वी पर जीवन का अंत होने वाला है? और अगर ऐसा सच में होता है तो ये बड़ा विनाशकारी साबित होगा। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ स्टडीज के अनुसार ये एस्ट्रॉयड ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार सुबह 5:56 यानी भारतीय समयानुसार शाम 3:26 पर पृथ्वी के पास पहुंच जाएगा। नासा इस एस्ट्रॉयड के हर एक मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए हुए है। दुनिया जिस एस्ट्रॉयड से इतना डरी हुई है उसका नाम 527681998OR2 है। ऐसा अनुमान है कि ये एस्ट्रॉयड 2 से लेकर 4 किलोमीटर के डायमीटर का हो सकता है, जो आकार के लिहाज से काफी बड़ा है। ये एस्ट्रॉयड 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़े जा रहा है और आज यानी 29 अप्रैल को ये हमारी पृथ्वी से 3.9 मिलियन माइल्स की दूरी से गुजरेगा, जो इतनी ज्यादा होती है कि आप पृथ्वी से चांद पर 16 बार आ जा सकते हो। यानी ये एस्ट्रॉयड अर्थ और चांद के बीच की दूरी की 16 गुना ज्यादा दूरी से गुजरेगा। ऐसे में इसके टकराने की बात तो छोड़िए, इसके गुजरने से एक चींटी तक को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये एस्ट्रॉयड भले ही आज पृथ्वी के लिए कोई खतरा ना हो, लेकिन 59 साल बाद 2079 में यही एस्ट्रॉयड वापस लौटेगा और उस टाइम ये पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजरेगा। हो सकता है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री में हुए थोड़े बहुत बदलावों के चलते 59 साल बाद 2079 में ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा बने, लेकिन तब तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि या तो हम इस एस्ट्रॉयड को अंतरिक्ष में ही खत्म कर पाएंगे या इसका रास्ता बदल सकेंगे। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कम से कम 2079 तक तो सेफ ही हैं। और यार, तब तक तो आप में से कईयों के बच्चे भी बूढ़े हो चुके होंगे, तो फिर इतना जीकर क्या करोगे? खैर, आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ जो इस टेंशन भरे माहौल में आपके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल तो ले ही आएगा। नासा के द्वारा हाल ही में जारी तस्वीरों में देखने पर इस एस्ट्रॉयड की आकृति ऐसी लग रही है जैसे इसने अपने चेहरे पर कोई मास्क लगा रखा हो, जैसे ये भी ये संदेश दे रहा हो कि भाई कोरोना चल रहा है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। और हाँ, पृथ्वी से 3.9 मिलियन माइल्स की दूरी से गुजरकर इसने सोशल डिस्टेंसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया है। तो फाइनली आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने घरों में रहो और सेफ रहो।